वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। आज मैं आपके पास लेके आई हूँ ब्लॉग नंबर 5। इसमें मैं आपको एक ऐसा इंसिडेंट बताऊंगी जिससे मैंने ये मान लीजिए कि बाप रे जान बची, लाखों पाए दोस्तों। कल दवा का ओवरडोज हो गया था। और कैसे, पूरा अंत तक देखिए, लास्ट तक देखिए। ज़्यादा समय तो मैं लेती नहीं। ये हुआ कि मैं ब्लड टेस्ट कराई थी, टोटल बॉडी चेकअप करा लिया मैंने। थोड़ा उसमें डिस्काउंट चल रहा था, है ना, 50%। तो मैंने सोचा कि भाई करा ही लेते हैं, मेरे पैर में तो दर्द हमेशा रह ही रहा है, करा लेती हूँ। डिस्काउंट के चक्कर में दोस्तों हम लोग यहाँ पर भी चुकते नहीं हैं। तो फिर मैंने एक ब्लड टेस्ट पूरा ओवरऑल करा लिया, बॉडी चेकअप, जिसमें कि मुझे ये पता चला कि मेरे बॉडी में कैल्शियम, विटामिन डी और बी12 का डेफिशिएंसी है। और वो जाहिर सी बात है कि मेरे पैर में बहुत सूजन आजकल रह रहा है, एड़ी के पास, और उसकी वजह से मुझे दर्द भी रहता था। तो होता है कि काम चल रहा है तो धका रहे थे का समय। लेकिन मेरे हस्बैंड अभी आए छुट्टी में, तो बोले कि भाई इसके साथ क्या ये करना है, तो लापरवाही मत कीजिए, चलते हैं डॉक्टर के पास दिखा देते हैं। फिर हम लोग गए डॉक्टर के पास दिखाने। उन्होंने, डॉक्टर सर का मूड पहले से दोस्तों ख़राब था, क्यों मालूम है? उनके पास ऑलरेडी बहुत लोग आ गए थे गूगल ज्ञान के साथ, तो वो बहुत परेशान थे कल। ऊपर से उनको एक क्वेश्चन भी अगर मेरा जा रहा था तो उनको लग रहा था कि ये भी गूगल ज्ञान लेके आई है। तो पहले से वो एंटिसिपेशन करके मेरे से गुस्सा में थे डॉक्टर साहब। खैर एनीवेज, इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस डॉक्टर, नो डाउट अबाउट हिज कैलिबर। बट एक बात कह रही हूँ कि वो चिड़चिड़ थे कल। तो उन्होंने मुझे दो इंजेक्शन्स दिए, एक विटामिन बी12 का और एक और डी या ये कैल्शियम का था शायद, इंजेक्शन दे दिए। फिर हम आ रहे थे तो रास्ते में ना मुझे पैल्पिटेशन जैसा, हृदय गति नहीं होता है ज़्यादा होना, तो वो इसलिए हुआ था कि एक दिन पहले एक मैंने डोज खाया था जो कि हफ्ते में एक बार लेना होता है। तो वो मैंने एक डोज ले लिया था, मेरे पास एक वो पुड़िया थी, तो हफ्ते में एक बार लेना होता है। और वही इंजेक्शन अगले ही दिन, मैंने कल, मैंने इंजेक्शन के रूप में ले लिया। तो हुआ ना सुपर डोज दोस्तों। तो बॉडी है, बॉडी तो रिएक्ट करना चालू कर दी थी कि भाई कुछ भी हो, विटामिन हो चाहे क्या, जो भी है, वो ओवर डोज तो नहीं आपका बॉडी एक्सेप्ट करेगा ना। तो कहीं ना कहीं मेरा पैल्पिटेशन, हृदय की गति बढ़ गई थी। और डर, एक अलग डर भी उसके साथ था कि भाई मैंने वो डॉक्टर से मैं बताना भूल गई कि भाई मैंने एक दिन पहले वो डोज लिया था, अपने रहे पैर दर्द कर रहा था। तो मैं सोची कि कुड़िया है वो वीकली, तो डॉक्टर पहले एक और डॉक्टर से दिखाई दी, वो बोले कि वीकली एक ले लीजिए। तो वो मैं एक दिन, एक रात पहले ही ली थी, तो हो गया था ओवर डोज। और एक डर अलग कि मैंने डॉक्टर से ये बात मैं छुपाई नहीं, भूल गई मैं ये बताना कि मैंने वो डोज लिया। तो खैर जान बची, लाखों पाए दोस्तों। परेशान थी एक और चीज़ से कि डांट अलग पड़ेगी कि मैंने छुपाया। तो इससे ये पता चलता है कि लापरवाही नहीं दोस्तों, पूरा ये दिमाग ना खोल के रखना पड़ेगा कि भाई हाँ, पूरा एक चूक होगी जान पे बनाएगी। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए। और ज्ञान तो है, लेकिन चूकना नहीं है दोस्तों। थैंक यू सो मच।